तो हे गाइस, कैसे आप लोग? होप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राघव, स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं ना भाई, आज के दिन थोड़ा सा स्पेशल वीडियो रहने वाला है। ये रहेगा टेस्टिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको कल की वीडियो में बताया था ना कि माचना नदी का ब्रिज तभी चालू होगा जब यहाँ पे अपन लोग लोड टेस्ट करेंगे। तो आज के लिए, आज की वीडियो में अपन करने वाले लोड टेस्ट। बोलिए, लोड टेस्ट की प्रक्रिया 2 से 3 दिन चलती है। वो कैसे किया जाएगा वो मैं आपका पूरा इस वीडियो में दिखाऊंगा, और साथ साथ में यहाँ पर जो तैयारी की जाती है लोड टेस्ट करने से पहले वो भी दिखाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, चलो भाई शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, इसमें जब भी लोड टेस्ट करेंगे ना, तो अपन एक स्पान को ले लेंगे, कोई सा भी एक स्पान ले लो। तो अपन ने पहला वाला स्पान ही ले लिया। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, इसमें एक पूरा 30 मीटर का स्पान है, इसके अंदर ही अपन लोग टेस्टिंग करने वाले हैं। तो 30 मीटर का स्पान लगभग अपना यहाँ तक आएगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये अपना यहाँ पर पिलर है, ये वाला पिलर है, और वो अबटमेंट है, उसी के बीच में अपन करने वाले हैं। तो इस जगह पे क्या है, अपन पहले मार्किंग की जाए, जो व्हीकल को अपन खड़ा करेंगे ना, जो अपना टिप्पर रहेंगे फुल्ली लोडेड, वो टिप्पर रहेंगे, लगभग उनका वजन वेट होके आएगा वहाँ से, कितना उनका वजन है उसी के हिसाब से सारी कैलकुलेशन की जाएगी। तो उनको फुल भर के लेके आएंगे, तो उनको पोजिशन के लिए इस टाइप की मार्किंग कर ली गई है कि उनको किस पोजिशन पर खड़ा किया जाएगा। तो इस हिसाब से ये मार्किंग हुई ना, तो इसी के अकॉर्डिंग ही अपन डंपर को यहाँ पर खड़ा करेंगे। तो उसकी मार्किंग हुई, और उसके बाद अभी मैं नीचे भी जाके दिखाऊं नीचे क्या क्या तैयारी की जाती है। ये तो ऊपर मार्किंग की है, केवल है ना व्हीकल को खड़े करने के लिए। और एक कल के वीडियो में एक भाई साहब कमेंट कर रहे थे इस चीज़ के बारे में कि जैसे 104 244 लिखा है ना, ये तो इसमें उन्होंने ये पूछा था, 104 तो समझ में आ रहा है किलोमीटर नंबर है, तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं 244, तो इसका मतलब होता भाई मीटर। ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आप उसके हिसाब से जो 104 के जो किलोमीटर नंबर 104 है और प्लस 244 मीटर की ये इसकी लोकेशन है। तो अब आप समझ गए होंगे ना, जब ये 1000 हो जाएंगे ना पूरे 244 के पीछे, तो यहाँ पे 105 हो जाएगा। तो इस हिसाब से चलता है, ये चैनेज रहते हैं, उसको मार्किंग के लिए रहते हैं। तो अभी मैं आपको नीचे से भी दिखाता हूँ नीचे की तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं ना आप, ये है ब्रिज के नीचे का इलाका, और यहाँ पर देखो नदी के अंदर पानी कितना प्यारा बह रहा है, और आधे स्पान बिल्कुल साफ़ है। क्योंकि उधर के स्पानों पे भाई इसलिए नहीं किया अपन ने टेस्ट, क्योंकि उधर नीचे पानी वानी चल रहा है, तो नीचे खड़े कैसे होंगे। तो इस वाले पोजीशन पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा जगह भी थोड़ा ठीक ठाक है। तो इसी स्पान के नीचे अपन करने वाले टेस्ट। तो सामने अपनी टीम वगैरह आई है, जो भी ज़रूरत लगेगी, जैसा हाइड्रा भी खड़ा कर रखा है, कभी ज़रूरत पड़ी ऊपर नीचे जाने के लिए तो वो भी लगेगी। तो मैं दिखाता हूँ आपको किस टाइप से किया जाता है, क्योंकि मेरे को भी कभी आइडिया नहीं है इसका। सामने वाले जो अपने अथोराइज इंजीनियर हैं, जो टेस्टिंग करने वाली जो टीम आई, उनसे पूछ के मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, हम दो ये लोड टेस्ट करने वाले हैं ना, तो इसके लिए जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो लगते हैं ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ खास चीज़ वगैरह लगती नहीं है। एक जो आपका जो टोटल स्टेशन रहेगा ना, जो TS बोलते हैं, वो जो सामने देख रहे हैं ना वो रहेगा। उसके साथ में इस टाइप की 8 प्रिज्म लगेंगे, ये प्रिज्म देख रहे हैं ना, ये लगे हैं ये। अभी इन प्रिज्मों को क्या है, इनके ऊपर चिपकाया जाएगा। जैसे ये जो प्रिज्म है ना, ये अभी इसको फेविक्विक से कांच से चिपका दिया एक साइड से, अब नीचे उसमें इस टाइप से फिर से फेविक्विक लगा के सामने गडर में इसको इस टाइप से लटका दिया जाएगा। बाद में इसकी रीडिंग ली जाएगी, और कुछ नहीं होगा, कितना लोड देने पे वो कितना दबता है ये है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, देख रहे हैं ना आप, ये जो प्रिज्म थे ना, जो यहाँ से भी अपन ने जो, तो दोस्तों देख रहे ना आप, ये जो प्रिज्म थे ना, जो अभी अपन ने चिपकाए थे फेविक्विक से, अब एक साइड तो अपन ने कांच में फेविक्विक से चिपका लिया, अब दूसरी साइड भाई अभी ये बंदे जा रहे हैं ऊपर। इसकी एक लोकेशन फिक्स रहती है, जो सेंटर रहेगा, सेंटर के हिसाब से किस किस लोकेशन पे ये लगाए जाएंगे, तो वो लगेंगे। और कॉर्नर वाले गडर पे ज़्यादा लगते, सेंटर वाले पे एक एक लगेगा। इस टाइप से कुछ 8 लगने वाले हैं, तो किस हिसाब से लगाने वाले, देखो ये अभी जा रहे हैं ऊपर, और उसमें उस प्रिज्म को चिपका दिया जाएगा। अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग जगह पर चिपका दिए जाएंगे। चिपकाने के बाद में इनका हर एक एक घंटा या आधा आधा घंटा जो भी रहेगा, वो कैसे टाइप का रहेगा मैं बताऊँगा, उसके हिसाब से अपन रीडिंग लिए जाएंगे यहाँ पर। जैसे जैसे लोड दिया जाएगा, लोड देने के बाद इतनी देर में कितना सेटल होता है, बस यही चीज़ रहती है, और कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है भाई। इसके लिए आप लोग डरते हैं ना कि इस टाइप का लोड टेस्ट कैसा किया जाता है, ये कैसा किया जाता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। अभी दोस्तों, एक प्रिज्म वहाँ पर चिपकाया था, ढंग से चिपक नहीं पाया, जल्दी छोड़ दिया और नीचे गिर गया। ख़राब तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि नीचे क्या है, मिट्टी है, मिट्टी के अंदर सेटल हो गया होगा, टूटा वूटा तो नहीं होगा, देख रहे हैं भाई इसको, क्रैक तो नहीं हो गया। तो दोस्तों, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे 3 इस वाले पे लग गए, 3 इस वाले के ऊपर लग गए ये, यहाँ पे इसको क्या कांच के ऊपर फेविक्विक लगा के फिर से चिपका दिया। ये लटके हुए ना, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये प्रिज्म लटके हुए, ये लग गया, और एक इसके आगे ये लगा हुआ है, एक इसके आगे
इस टाइप से इनके नीचे इस टाइप से लगा लिए जाएंगे। फिर उसके बाद अभी जैसे खाली ब्रिज का रीडिंग ले लिया जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे इसके लोड आएगा उसकी रीडिंग ले ली जाएगी, यही प्रोसीजर रहता है यहाँ पर। तो भाई अभी यहाँ पे जो इनिशियल लोड टेस्ट चल रहा है ना, उसके लिए क्या होता है, अभी जैसे वो प्रिज्म लगा दिए ना, अब हर एक एक घंटे पे उसकी रीडिंग लेंगे 24 घंटे तक। तो अभी ये कंटिन्यू सुबह तक चलेंगी, सुबह फिर इसके ऊपर लोड देंगे अपन पहली बार, पहले दो गाड़ियाँ रखेंगे, उसके बाद फिर दो गाड़ियाँ और लेंगे, और फिर वो गाड़ियाँ 24 घंटे तक खड़ी रहेंगी और फिर उसकी रीडिंग ली जाएगी। तो यही है, ये कल लगभग ना 24-48 घंटे के आसपास तक ये चलता रहेगा। तो अभी रीडिंग लेने का सिलसिला चालू हो गया है, बाकी कल जब गाड़ी आएंगे तब आगे का दिखाऊंगा आपको। तो जब भाई मैं आया हूँ अभी ऊपर, ऊपर आप देख रहे हैं लोड टेस्ट हो रहा है ना, तो लोड टेस्ट के लिए ऊपर रास्ता एकदम बंद कर दिया। देखो इधर भी बंद करा, उधर के तो साइड में तो दूसरी साइड तो प्रॉपर वेल्डिंग करके बंद करा, इधर भी कर दिया, क्योंकि अभी यहाँ पे बिल्कुल बाइक जो भी आती है ना सब बंद है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी इनिशियल में खाली का वेट लिया जा रहा है। खाली के बाद कल जब इसके ऊपर कल लगभग 12-1 बजे के आसपास इस पर दो गाड़ियाँ लेंगे, फिर उसके बाद उनका काउंट करेंगे जो भी रीडिंग आएगी, उसके बाद फिर चार गाड़ियाँ खड़ी करेंगे तब उनकी रीडिंग आएगी, तो उसका ये ग्राफ बनता है और कुछ नहीं होता, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं भाई। ये इसका एक जो चार्ट रहेगा जो इसका, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इतने से इतने के बीच में अगर ये रीडिंग आ रही है तो आपकी सही रीडिंग है, नहीं तो आपका फेल हो जाता है। साथ में दोस्तों दूसरा काम भी दिखाता हूँ आपको। तो दूसरे काम में ये रेलिंग बीम बन रही, तो भाई आप में से काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि रेलिंग बीम कैसे बनती है, उसका भी बताइए। तो रेलिंग बीम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ किस हिसाब से ये कास्ट की जाती है, क्योंकि ये रेलिंग बीम बन रही ना, तो इसका कास्टिंग किस हिसाब से किया जाता है ये भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अपना मैन कैरिज भी हो गया और ये हो गया पेडिस्टल, जो आपके पैदल यात्री रहते हैं पेडिस्ट्रियन बोलते हैं उनको, उनके लिए ये 1.5 मीटर का स्पेस रहता है। इसमें आप साइकिल चलाना हो आपको या पैदल यात्री हो, वो कायदे से इसके अंदर मोटरसाइकिल भी अलाउ रहती है, मोटरसाइकिल भी भाई इसी के अंदर चलती है, आपके बाहर नहीं चलेगी। तो ये इसको जो रेलिंग बीम बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, इस टाइप के जो बीम रहते हैं ना, ये वाले जो बीम, ये इस टाइप से कास्ट किए जाते हैं प्लांट के पास, प्लांट में ही इस टाइप के कास्ट करके ये आ गए हैं। अभी इनको फिक्स किया जाता है कुछ इस हिसाब से, इनका वाटर लेवल के हिसाब से कुछ इस हिसाब से इनको फिक्स कर लिया जाता है, और जो आपका जो कॉलम रहेगा ये यहाँ पे कास्ट किया जाता है। तो इसमें सरिये रहते हैं, आपको देख रहे होंगे लगभग 10-12 mm के आसपास का इसका सरिया रहता है। तो ये इस हिसाब से अरेंज कर लिए, एकदम लाइन कर लिए इनको लेवल के हिसाब से, उसके बाद फिर इसमें अपन कॉलम की कास्टिंग करते हैं। कॉलम की कास्टिंग कुछ इस हिसाब से की जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये अभी कॉलम की कास्टिंग है। कॉलम के लिए अपने शटरिंग लगाई है, इससे कोई स्पेशल टाइप की शटरिंग आती है, दोनों तरफ से खुल के ये लग जाती है और इसके अंदर अपन करेंगे कास्टिंग। तो जो थोड़ा बहुत जो गैप वगैरह रहता है उसमें इस हिसाब से गनी बैग लगा के इसको लगा दिया जाता है, सुबह सुबह इसको रिपेयर कर लिया जाता है, जैसे थोड़ा बहुत जैसा ख़राब भी आ जाता है। तो ये इस हिसाब से यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इस हिसाब से यहाँ पर कास्टिंग की जाती है। मैनुअल कास्टिंग हो रही है क्योंकि अभी ब्रिज पर काम लगभग बंद है ना, ब्रिज के ऊपर गाड़ी आना अभी बंद है लोड टेस्ट के चक्कर में, नहीं तो गाड़ी भाई यहाँ पास में लेके यहीं पे कंक्रीट अपन कर सकते। तो ये कंक्रीट हो रही ना, इसके वाइब्रेटर इतने आसानी से इसमें चल नहीं पाते क्योंकि सरिये रहते हैं, तो इसमें इस टाइप का सरिया दिया जाता है, ये बढ़िया बड़ा वाला, उस सरिये को आप अच्छे से चलाइए तो उससे आपका सरफेस प्रॉपर आ जाएगा। और जो ओवर सरिये रहते हैं ना, कुछ कुछ सरिये जैसे ओवर निकल रहे हैं ना, तो उनको बाद में कट कर लिया जाएगा। तो इस हिसाब से भाई ये कास्टिंग की जाती है, बाद में इसमें क्या रिपेयरिंग बहुत सारी रहती है, जैसे अभी ये बन गया ना, और बनने के बाद ये छोटा मोटा रिपेयरिंग रहता है, इस टाइप से जो किया जाता है ये जो भी हो जाता है थोड़ा बहुत, बाकी जो ओवर साइज़ के जो सरिये रहते हैं ना उनको कट कर लिया। ये अभी बनने के बाद कास्टिंग होने के बाद कुछ इस हिसाब से दिखने लगता है, सरफेस काफ़ी अच्छी दिखने लग गई ना अभी, तो अभी इसके ऊपर पेंट हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा ये। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ओवर साइज़ जो सरिये हैं ना, ये तो इन सरियों को भाई गैस कटर से रिमूव कर दिया जाएगा तो ये और अच्छा लगेगा। अभी क्या है भाई, लोड टेस्ट के चक्कर में यहाँ पे बंद है ना वाहन, तो माल अपन यहाँ बाहर खाली कर रहे हैं, मैनुअली लेबर से यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। आज दोस्तों अपना ब्रिज दोनों तरफ से बंद कर दिया ना, तो आज यहाँ पे हलचल बहुत कम है, कोई भी नहीं, खाली पड़ा वीरान, एक आध कोई पैदल चल रहा है तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी मौसम थोड़ा आज खुल गया है, रात से बारिश अभी बंद है, तो पानी का लेवल भी भाई नॉर्मल ही है, कल थोड़ा सा बढ़ गया है, बाकी देखो नदी कितनी शानदार बह रही है यहाँ पर, ये देखो भाई ये लगता है भाई, वैसे भाई मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, मोबाइल नीचे चला गया तो मेरे चले जाएंगे 60,000 नीचे। तो अभी आज कल से अपनी नई प्लानिंग चलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कल से अपन करने वाले हैं पेवर भी शिफ्ट करेंगे, उस दिन खोल के ले आए थे, हाइड्रा नहीं मिल रहा था अपने को, तो हाइड्रा भी भाई अब यहाँ पर फ्री हो गया, तो कल से हाइड्रा भी देखो यहाँ खड़े हैं, उनको लेके जाएंगे कल पेवर शिफ्ट करेंगे अपन 118 CNH पे।
तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे ना गाड़ियाँ दो खड़ी की हैं। इसके ऊपर अभी थोड़ा सा मैं चला गया था, तो अभी दो गाड़ियाँ नहीं है यहाँ पे लोड टेस्ट के लिए, क्योंकि हाफ लोड टेस्ट है अभी, उसके बाद फुल लोड टेस्ट भी होगा जिसमें अपन चार गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। तो ये लोकेशन अपन ने यहाँ पे मार्क की हुई है ना, तो ये देखो ये दो डंपरों की लोकेशन पे दो डंपर खड़े हो गए। अभी दो डंपरों की लोकेशन ये है, एक ये चौथा नंबर, एक वो है तीसरा नंबर। तो अभी हाफ लोड टेस्ट में अभी दो डंपर लिए अपन ने, उसके बाद अब इसकी लगभग 12 घंटे तक इसका मेजरमेंट चलेंगे, उसके बाद सुबह दो डंपर और खड़े करेंगे, तो इसके बाद लगभग चारों डंपर हो जाएंगे, चार डंपर में अपना टेस्ट हो जाएगा। और जो इसमें मटेरियल जो भी लेके आए ना, हम लोग यहाँ से डस्ट लेके आए हैं, तो डस्ट का सैम्पलिंग हुई, डस्ट का अपन ने कांटा किया है, कांटा से जो वजन आया लगभग 35-35 टन माल है, क्योंकि डंपर की बॉडी के सहित, वैसे डामर तो भाई लगभग 30 टन के आसपास आ जाता है इसमें, तो इसमें अपन ने 25 टन के आसपास माल होगा और 10-12 टन की जो गाड़ी है, तो 35 टन के लगभग होगा मेरे हिसाब से, 35 से 40 के आसपास जो भी रहेगा। इसका जो फॉर्मेट रहेगा ना, जो कैलकुलेशन का, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा जब इसका टेस्ट हो जाएगा, या कल के वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस हिसाब से अभी ये भरी खड़ी रहेंगी रात भर, सुबह दो गाड़ियां और खड़ी करेंगे तो चार गाड़ियों का फिर चलेगा। तो इसी हिसाब से जैसे कल पूरे दिन लगभग 24 घंटे इसमें अपन ने चालू किया था बिना लोड के, उसके बाद अभी हाफ लोड दिया, उसके बाद फुल लोड देंगे उसके बाद, तो इस हिसाब से रीडिंगें चलती रहती हैं। और ये रीडिंगें नीचे केवल TS की मदद से वो रीडिंगें लेनी है, क्या लेवल में क्या कुछ डिफरेंस आया, कुछ आया, यही, और कुछ भी नहीं है लोड टेस्ट में। उसी का एक फॉर्मेट बनता, उसी का एक ग्राफ बन जाएगा, तो आपका ब्रिज का हो जाएगा। तो अभी हमें ये भी करना है, और भी दो एक दो ब्रिज हैं उनका भी करना है। कोई डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे को वो भी बताना, वैसे मेरे वीडियो सिंपल से रहते हैं, तो सिंपल से आपको लॉजिक वाली चीज़ मैं आपको समझा दी कैसे करना है। रही बात दोस्तों रास्ते की, रास्ता पूरा बंद है, दूसरी साइड भी पूरा बंद कर दिया, इधर भी कोई पूरा बंद कर दिया, किसी को भी आने जाने की कोई परमिशन नहीं है अभी यहाँ पे। थोड़ा क्या है यहाँ पे, ये आप देख रहे हो पॉलीथीन डाल दी गई इसके ऊपर, पॉलीथीन इसलिए डाली गई है क्योंकि क्या है, पानी आ जाएगा तो फिर पानी जब उसके अंदर जाएगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा, तो अपनी कैलकुलेशन कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए उसके ऊपर गीला भी ना होने दे उसके। तो ये पूरा रास्ता पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ है, ये अभी 24 घंटे और चलेगा अभी। तो दोस्तों हो गया टाइम रात का, और अभी तो गाड़ियाँ वाड़ी चलने वाली हैं, अपन भी चलते हैं, क्योंकि ये अभी 8 घंटे के आसपास चलेगा, 8-8 घंटे का मैं वेट बढ़ा रहे हैं। अभी जैसे 50% लोड दे दिया ना, अब 8 घंटे के बाद फिर 75% लोड देना, फिर से लेंगे एक गाड़ी, फिर उसके बाद 8 घंटे के बाद फिर लेंगे एक गाड़ी, तब 100% लोड होगा, तो इस हिसाब से चलेगा। तो बाकी का आगे का वीडियो कल कंटिन्यू करूँगा, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, धन्यवाद।